रहीम अस्सलाम वालेकुम। ई नंबर के मतलब ये भी मेरी वीडियो ई नंबर के मतलब ही है जी। मैं आपको चीज़ दिखा दूंगा। एक भाई ने आज जो मुझे रिप्लाई किया, चार पांच भाइयों ने रिप्लाई किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक का मैसेज सुना दूंगा मैं आपको। अच्छा, बात करने का सिर्फ मकसद इस वीडियो में ये होगा कि ये जो मैं मुझे एक भाई ने ये चीज़ भी भेजी, ये आपको यहाँ पर मैं बड़ी करके दिखा भी देता हूँ, पढ़ कर भी सुना देता हूँ मैं। क्या ऐसा मुमकिन है? आप खुद से भी यार अंदाज़ा कर सकते हैं। यार मैं एक चीज़ वीडियो के शुरू में बोलूँगा, देखें व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं। आपको इसके मतलब कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने भाई आपका वीज़ा स्टैम्प नहीं हो रहा है तो आपने इसके मतलब, यानी कि मैं आज दिन को एक वीडियो लगा चुका हूँ जिसमें मरहल पेपर और क्रूजवेल पेपर के मतलब बता चुका हूँ मैं, उसके मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो आप मुझे व्हाट्सअप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। ये चीज़ ये कितनी कारामद है, देखें मैं उतनी देर तक किसी चीज़ को कारामद नहीं मानता जितनी देर तक उस सबूत बंदे के सामने ना आ जाए। जैसा कि मैं आपको मुख्तलिफ वीडियोस में ई नंबर दिखाता रहता हूं बंदों के, ठीक है जी, निकलते हैं आपको साथ में दिखा देता हूं मैं। अभी एक भाई ने मुझे ये सेंड किया, ये लिखा हुआ है, आपको यहां पर दिखा रहा हूं मैं, पढ़कर सुना देता हूं आपको साथ में। मंदरजा जैल पेशे के ई नंबर नहीं निकल रहे, ठीक है जी। कुछ भाई इनमें इसके मतलब क्या बोल रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले आप सुन लें। नंबर एक सायखास, आमल मंजरी, दहान एंड आमल आदि, हदाद और मकैनकी एंड तबाख एंड नजार एंड आमल इंशात एंड आमला मंजलिया एंड हदाद सफ़ी अल वाह हुआ सभी आप बोल रहे मलिस, ठीक है। इनमें से आमला मंजलिया, सायखास, आमल मंजली, बिल्कुल इनके जो वीज़े आमल आईडी, इनके जो वीज़े हैं ना वो, यानी कि इनके जो ई नंबर इनमें इशू चल रहा है। अगर ये बात कहनी कि ये वीज़े बंद हो चुके हैं या सऊदी अरेबिया अभी इन वीज़ों के ई नंबर नहीं निकालेगा तो ये गलत बात है। मैं इसको सरासर ही गलत बोलता हूँ। क्यों भाई? देखें ये कौन सा भाई फुद्दू गवर्नमेंट है, अगर हम सीधी बात कर ले तो फिर अगर एक पंजाबी च गल कर लीए पर एकड़ी को फुद्दू गवर्नमेंट है जेड़ी को वीज़ा कट देगी बाद कह गई असी तो बंद करता। भाई देखें सऊदी गवर्नमेंट के रूल होते हैं यार, जो वीज़ा वो निकलवाते हैं निकालते हैं या उसके मुतबादल में वीज़ा देंगे आपको या आपको बकायदा जो आपके वीज़े जो होंगे ये स्टैंप होंगे। ऐसा नहीं होगा। स्टैंप कैसे होंगे? अभी ये भाई का मैसेज सुन ले आप खुद भी इस चीज़ के ऊपर एग्री करेंगे। अस्सलाम वालेकुम यार भाई, मेरा वीज़ा लगने के गया हुआ था 12-13 दिन हो गए थे, तो वो ना वैसे भी आ गए थे कुछ छुट्टियाँ, तो उस वजह से थोड़ा लेट हो गया था। बाकी परेशानी की वजह अब अलहमदिल्ला मेरा वीज़ा लग गया। बहुत शुक्रिया सर आपने जवाब दिया और वीज़ा लग गया अलहमदिल्ला। कोई मसला मसाइल नहीं चल रहा इन नंबरों का, सब ओके हो गया, ठीक है जी। कोई मसला मसायल नहीं चल रहा है ई नंबरों का, सब ओके हो गया। भाई का ई नंबर निकला है मुझसे ना पहले भी रबते में से तकरीबन पिछले एक दो माह से, और बाद में वीज़ा इन्होंने भेजा लगने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको बोला कि वीज़ा भेज दें, साथ में आप अपना खरूज वाला पेपर भेज दें। इन्होंने पहले अपना मदार वाला पेपर भी भाई चेक करवाया था, तो वो भी मैंने इनको निकलवा कर दिया, चेक करवा कर दिया। बाद में इनका खरूज वाला पेपर साथ में इन्होंने भेजा, वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंप हो गया, कोई किसी किस्म का मसला नहीं बना। देखें मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपके वीज़े भी इंशाल्लाह ताला स्टैंप होंगे, ऐसी बात नहीं है कि ये यार यकीन रखिए इंशाल्लाह होंगे। और दूसरी बात ये है कि आप ये अपना इस चीज़ के ऊपर ज़रूर नज़र रखिएगा कि क्या आपका कहीं वीज़ा भाई इस वजह से तो नहीं रुका हुआ कि आपके ऊपर कोई किसी किस्म की पाबंदी है या आपने खरूज वाला पेपर नहीं साथ में भेजा है। किसी एजेंट से पूछ लीजिएगा खरूज वाले पेपर की अहमियत, अगर मेरी बात के ऊपर यकीन ना आए। और अगर कोई दोस्त अखबाब आपका ऐसा है या कोई एजेंट ऐसा है जो इन मामलों को जानता है तो उससे मतार पेपर के मतलब भी पूछ लीजिएगा कि मतार पेपर के बेनिफिट क्या है और खरूज वाले पेपर के बेनिफिट क्या होते हैं।